शॉर्ट पड़ गया। मैंने बोला बेहतरीन एक नेड डालूंगा और देखो नेड ऐसा सटीक बंदे के टकले पे जाएगा। मजाक सट के, ये देखो ये फेंका नेड। सको खोलता हूँ, ध्यान से देखो कहाँ जाता है नेड। बिल्कुल तो भालो, कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, पैद वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पजवी के एपिसोड में, जहाँ पे मिलेगी किल। अरे दबा के किल मिलेगी, मजा ही आ जाएगा। ट्रिक देखो, ट्रिक ऐसी है, ऊपर जाओ और ऊपर जाके एक हरकत कर दो, बस उसके बाद दे किल पे किल, दे किल पे किल। खैर अभी देखो किल थोड़ा बाद में लेंगे, ऊपर जाके पहले गन ले लूँ, नहीं तो किल मेरा हो जाएगा। M16 हाथ लगती है मेरे, और ये बंदा ये ले, इसको पकड़ लिया गया। कतई DP लेके आता है, उड़ते हुए आता है, DP लेके दिया फटका इसके। अभी देखो ये सकारे लेता हूँ, नीचे कूदा इसकी डाली पेटी, लेकिन देखो अभी और भी भीड़ है, इसके DP उठा लेता हूँ। ये काम आ जाएगी आगे। एक किल चोरी की, और ये कहाँ भाग रहा है, उसको भी दे दिया। अभी देखो ऊपर चढ़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोर के लड़ रहे थे। आ जाओ कहाँ पे चोरी, एक उसके पीछे है, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा राइट साइड से जाएंगे। बच के भागो आप दूसरी साइड। यहाँ पे आते ये बॉट पहल जाता, और ये चक्कू बाज को देखो, कसम से ये चक्कू बाज लोग इतनी परेशानी देते हैं, मैं क्या बताऊँ। आदमी पागल हो जाएगा कि भैया किधर जाऊँ, आदमी पागल हो जाएगा। आएगा ये चक्कू चला देगा, चक्कू पे इसके रस्सी लगा पड़ा है, पता नहीं रस्सी घुमा के फेंक के मारता है, दिक्कत बहुत देता है। खैर देखो यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे थे, उतने में ये अंदर देखने आता है कि यार अंदर क्या टाइम पास चल रहा है, अंदर अलग टाइम पास हो रहा है, ये बाहर से अलग देखने आता है कि कौन टाइम पास कर रहा है, कि मैं भी टाइम पास करूंगा। और टाइम पास के चलते पेटी बन गई इसकी। कह रहा भी देखो आखिरकार ये गोल गोला घुमा घुमा के बना नहीं क्या अभी तक मेरे टीममेट से, बन नहीं रहा होता यार, जल्दी बनाओ। और ये कौन आया, यहाँ दूर दराज से कोई भागते हुए आता है, रस गिफ्ट करना चाह रहा था। अरे दिया उसके DP दे दिया। इसी के साथ देखो 8 किल मिल गए, बहुत ही बेहतर है, ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, उतरते हैं 8 किल, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। एक दो बॉट और पहलूंगा, 10-12 के लिए हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद अपने को जाना होगा काम पे, जो कि ऊपर वाली जगह। अरे ऊपर वाली जगह पे जाओ, किल चाहिए ऊपर चल जाओ, मेरा तो एक ही वो है आजकल। क्योंकि देखो ऊपर, अगर ऊपर भी ऐसा नहीं कि हमेशा किल मिलेगी, बंदे अगर आएंगे ऊपर तब तो बढ़िया किल मिलेगी, लेकिन बंदे ना आए तो फिर बैठे रहो ऊपर, वो फैरों के साथ झुनझुना बजाओ बैठ के, वो भी वो दहाड़ेगा, तुम भी दहाड़ो, कुछ नहीं होता ऊपर। खैर हम लोग आते हैं इधर, ये कौन, लड़ाई पहले ही भिड़ चुकी है। दो किल ले चुका हूं आते ही, और यह बंदा कुछ ज्यादा ही चलाक बन रहा है, चट्टान के पीछे बैठ के दे प्रिपेयर। रुको मैं नेट डालता हूं, एक नेट बस, और ये लो जी हो गया 17 किल। देखो 1 किल मेरे को मिल चुकी है, और एक बंदा नॉक भी किया, देख रहे हो आते ही। देखो 4 किल तो मैंने उठा लिया, और क्या चाहिए, आते ही 4 किल मिल गए, बिल्कुल धेड़ फेड़। और ये उसकी पेटी डाल दी, तो हाँ यहाँ पे 4 किल पूरी तरह से मिल गया। अब देखो मामला ऐसा है, मैप खोल के देखना पड़ता है कि भैया बंदे कहाँ से आ रहे हैं, क्या बंदे आएंगे कि नहीं। अब देखो मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन अगर आप मैप खोलोगे और नीचे राइट साइड पे देखोगे तो वहाँ पे स्विच का बटन होगा एक, जिससे आप बड़ा वाला मैप भी देख सकते हो और ये मैप भी देख सकते हो। हाँ मेरे को नहीं पता था, क्या आपको पता था, ये मेरे को बताना। और इतने में ही बंदे आ गए। अभी देखो अगर आप बड़ा मैप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा बंदा कहाँ पे रुका है, वो जो बड़ा सा चलता है ना, वो रुका है या फिर चल रहा है। अगर रुका है तो तैयार हो जा रहा, क्योंकि बंदे आएंगे, लेकिन चल रहा है तो लूट सकते हो। ये ले फटका, इसके भी डंडा दे दिया। अभी देखो फिलहाल के लिए इस मैच में तो मैं मैप चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैप चेक हमारे भाई कर रहे होते हैं। ये लो इसकी पेटी डाल दी। तो हाँ देखो जब जब रुकेगा, 2-3 जगह पे आते बंदे, ये वाली जगह, एक जगह पे जहाँ से मैं आया था और जहाँ पे ये बंदे लड़ रहे थे, 3-4 जगह पे आते बंदे, बस वहाँ पे नजर रखो। अगर पूरी टीम है बहुत ही बढ़िया, चारों बंदे बैठ जाओ एक एक जगह पे, क्योंकि देखो जैसे ऊपर आते 2-3 सेकंड के लिए आ रहे, बंदा क्या कहते हैं, बंदा हिल नहीं पाता, हिल डुल नहीं पाता बंदा, बिल्कुल उसको पता ही नहीं होता, उसकी आंखों के सामने धुआं होता है जब ऊपर आते हैं। तो आप उसे आराम से मिल सकते हो, इन्होंने पता नहीं कैसा अपडेट किया है, जो भी ऊपर आएगा बेचारा पिट के जाएगा। और याद रखना आप जल्दी आना ऊपर, क्योंकि अगर आप लेट आते हो, अरे बंदे पहले से बैठे होंगे,
ये देखो वहां पे लड़ाई भिड़ रही है, बंदे पहुंचे पड़े आपस में लड़ रहे हैं और ये धुआं धुआं क्या दिखता है आसमान पे। खैर अभी देखो मैं फटाफट से भाग के आगे की ओर जाता हूँ। ये क्या दिख रहा है, ये लाइन जैसी क्या दिख रही है हवा में, ये शायद से वो निशानी होगी कि यहाँ पे जाओ फेरों को पहनने के लिए। ये लपेटी बेहतरीन 19 किल हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अभी तो शुरुआत है। आगे देखो कितनी लूट पड़ी है इसने, शायद वो उसको मार दिया होगा चक्कू बाजों को इसने पेल के मारा होगा। अभी देखो मेरे को बेस्ट जगह ये लगती है अंदर वाली जगह, क्योंकि यार यहाँ पे लगभग सेफ मामला है। यहाँ तो बंदे बड़े दरवाजे से आएंगे और यहाँ से आप देख ही सकते हो, और यहाँ से मिलती है दबा के किल, जैसे कि अभी मैं लेने वाला हूँ। रुको एक सेकेंड, अब ये बंदा भगदड़ करते हुए आता है, वहां पीछे फंस गया। मैंने बोला गलत फंस चुका है, मैं डालूंगा नेट, दो बंदे उसके पीछे और ये दोनों पेल दिए गए, दोनों के दोनों, बहुत बेहतरीन। ये ले पेटी का, यहाँ पे दोनों पेल दिए गए, दूसरी की किल भी मिल जाती है। अरे मजा ही आ गया, अरे हल्के नहीं लेने का, नेट गॉड है तुम्हारा भाई, ऐसे कैसे कोई भी आके यहाँ पे पेल के चल देगा, हल्के में नहीं लेने का। अभी देखो 22 किल हो चुके हैं, लेकिन और भी बंदे हैं, अरे बैठे पड़े यहीं पे। मैंने बोला मैं भी बैठा रहेगा, आखिर क्यों मैं कैंपिंग क्यों ना करूं, मैं 100 बार मर चुका हूं पिछले लगभग 10 दिन में, मैं 100 बार कैंपरों से मर चुका हूं, मैं क्यों ना करूं कैंपिंग, मैं भी कैंपिंग करूंगा। इन्होंने बहुत परेशान किया, मैं भी परेशान करूंगा। अब ये देख लो इस नंगू बंदे को, वहां से आके मेरे पे ठीपी पी ले रहा होता है, अरे दिया इसके भी फटका। अभी कोई और भी होगा, देखो यहां से मेरे को फुटी स्टेप आ रहे होते हैं, नीचे जाना मैं चाह नहीं रहा हूं, क्योंकि देखो नीचे चल गए ऊपर आने में थोड़ी दिक्कत होती है, फांस के आता है और उतने में पेटी डल सकती है। तो हाँ मैं यहीं पे बैठा हुआ था, और ये कौन आया देखिए देखिए, ये गया सामने। यहाँ पे तो मजाक सट के बिल्कुल फ्री की किल मिलती है, यहाँ पे बंदे आते हैं और कहते हैं ले लो हमारी किल की बात कर रहा हूँ, ले लो हमारी किल, ले लो कहते हैं बंदे, ले लो। वो बंदा है कहा खड़ा हो गया वहाँ पे, मैंने पेटी डाल दी। अभी देखो और भी बंदे थे उधर वो, लेकिन आपस में अंदर लड़ रहे होते हैं। मैंने बोला मेरा किल का हो चुका है, पूरा मामला हो चुका है, तो मैं निकलेगा इधर से, 25 किल ठीक ठाक है मेरे लिए। वैसे भी देखो 40 से आगे नहीं करना, 39 से आगे नहीं करना, तो क्या कभी भी कर देंगे 39 किल, कोई बात नहीं है। अभी देखो सब कुछ बढ़िया था, मैं बहुत किल लेता और भी किल लेता आगे, लेकिन मामला ऐसा हो जाता है हमको गाड़ी ना मिली, और जब हम गाड़ी लेने जाते हैं एक बग्गी दिखी थी मुझे आगे, बंदे आ गए, ये गए बगल से बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं फायर देता हूँ ये समझ के कि क्या पता लड़ने आ जाए, रस गेम प्ले कर दे, मेरे कद्दू का रस गेम प्ले है, तो दूसरी तरह चले गए। ये बग्गी बाज पकड़ा गया लेकिन देखो कार वाला जो बंदा था वो गया था आगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ नेट गॉड मेरे को क्यों कहा जाता है, ऐसे थोड़ी मैंने अपना नाम नेट गॉड रख दिया, नाम मिला है। देखो बंदे को दो हेडशॉट पड़ गए, मैंने बोला बेहतरीन एक नेट डालूंगा, और देखो नेट ऐसा सटीक बंदे के टकले पे जाएगा, मजाक सट के। ये देखो ये फेंका नेट, सको खोलता हूँ ध्यान से, देखो कहाँ जाता है नेट, बिल्कुल भाई बिल्कुल उस पार जाता है नेट, उसके टकले पे फटता है। वो हीलिंग कर रहा था शायद से, जो जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी किल ना मिलती, बताओ ये क्या मजाक है। मेरे को बता दो यार नेट गॉड तो मैं हूँ, लेकिन भैया नेट काम भी तो करे, डैमेज दिया दो हेडशॉट M4 के, उसके बाद सर के ऊपर ही नेट मार दिया, नेट से भी हेडशॉट दिया है, लेकिन बंदा ठिल के देता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ, मेरी क्या गलती इसमें। खैर ये थोड़ा फ्लैंक बाजी मार रहा होता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी डैमेज पड़ता है उसे, लेकिन देखो फिलहाल के लिए बच जाएगा वो, पता नहीं क्या करता जा रहा था मैं, आग फेंकता हूँ लेकिन आग थोड़ा सा, ये वैन किसने पार्क किया इधर, इस वैन को हटाया जाए, और देखो वो भी नेट फेंकता है, अरे हवा में का फेंक रहा है, उसको लगा था वो भी नेट से शॉट मारेगा, बेटा आज नहीं। खैर ये बग्गी में फोड़ देता हूँ, मेरे को लग रहा था ये बग्गी के लिए जा रहा है, पक्का नहीं पता मेरे को, फिलहाल के लिए रुकता हूँ मैं थोड़ी देर। ये
यहाँ पे टाइम पास करने के बाद इसको लगा ये भागेगा और हम भागने देंगे बहुत ही गलत। इसके चलते यार बाकी बंदे आपस में लड़ गए और यहाँ पे हम अटके रह गए क्योंकि अपने पे गाड़ी ना थी, रोड पे थी गाड़ी। मैं रोड पे जाता ये ऐसी पेटी डालता कि पूछो ना। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसकी पेटी वगैरह डाल देते हैं। पेटी डालने के बाद लूट भी लेते हैं। अरे धुआं डाला है, लूटेंगे, लूट के जाएंगे। लूट वगैरह उठाने के बाद देखो ये ऊपर चढ़ रही है लड़ाई, ऊपर चलती है लड़ाई बहुत ही ज्यादा जोर के। अरे बंदों पे ग्रोजा वगैरह पता नहीं क्या क्या तबाही बंदूक ले गए, आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं पहुंच गया, एक बंदा इसी घर पे कैंप कर रहा है। और देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कैंप कर रहा है, आगे देखो पैसे नहीं कहा है, रुको। ये एक नेड, एक और फेंका है, दो नेट फेंका इसने। ठीक है हम आए हुए आधा सेकंड नहीं हुआ घर पे घुसे हुए, दो नेट, एक ये मौली भी डाल देता है। ऊपर आग लगी पड़ी है, मैं नीचे बैठा होता हूँ। मैंने सोचा ठीक है अभी अभी टाइम है, आ जाओ चले ऊपर चले। और जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं पता चलता है सामने पे भी कोई बैठा है वेयर हाउस पे। ये हमारे टीममेट को पकड़ लेता है। अभी देखो यहाँ पे रिवाइव देना बहुत ही ज़्यादा गलत रहेगा क्योंकि मेरे को 100% पता है वो नेट कर रहा होता है, फेंकता है वो नेट। मैं भागता हूँ इस कमरे पे, आ जाओ। बिल्कुल सही टाइम पे वहां से निकले। अभी देखो यहाँ पे आपको याद होगा एक बंदा छत पे था। यस यस यस, एक बंदा छत पे था, छत से उसने नेट किया था, आ क्या था, वही बंदा गायब हो गया। नहीं नहीं ऐसा सही में गायब नहीं हुआ है, हमारे लिए वो गायब हो चुका है। उसको लग रहा है कि हमको लग रहा है वो गायब हो गया। बेवकूफ, देखो एक फुट स्टेप नहीं देगा वो, मजाक से हटके मैं क्या बताऊँ, ऐसा ढीठ आदमी है ना वो। आगे पे इनकी अपनी लड़ाइयाँ चल रही है, एक किल मैंने उठा ली। देखो छत से कोई फुटी स्टेप आ रहा है, बिल्कुल नहीं कोई नेड, बिल्कुल नहीं कोई गोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। एक बार के लिए तो यार मेरे को लगने लगा था शायद से भाग गया होगा, नेट फट रहे थे मेरे को सुनाई नहीं दिया होगा, भाग गया होगा, एक बार के लिए मैं हैरान था। लेकिन नहीं, ये यहीं पे होता है, यहीं पे। अब देखो छत पे जो बैठा है उस कैंपर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन ये नेट बाजी बंद करे, ये सामने वेयर हाउस वाला बंदा, तब ये दे दरादन पीछे नेट डाल रहा है, पीछे नेट डाल रहा है। अरे बेशरम रुक जा थोड़ी देर, सांस तो ले रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है इसका। उसके चलते मैं उसको नहीं पेल पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो छत पे था वो भी इसी का टीममेट होगा, कवर फायर दे रहा है वो। खैर अभी कोई बात नहीं, मैं रुका होता इधर पे। यहाँ पे देखो मैं ये वेयर हाउस वाले की मदद कर देता हूँ, नहीं नहीं जानबूझ के, जाने अनजाने में मदद हो जाती है। अभी देखो यहाँ से मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये खिड़की से देखा जाए, क्या पता कुछ दिख जाए। अभी देखो छत पे होता मस्त मजा आता, लेकिन ये एक दिखता है मेरे को, एक एचपी छूट गया वो, एक एचपी किल गई। यहाँ पे उस बंदे को मैंने एक एचपी किया और पता चलता है किल वो ग्रोजा वाला ठीठ आदमी ले गया। अरे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों नॉक ही नहीं होता वो। खैर देखो नॉक कर भी देता मैं तो भी वो किल ले जा लेता तो और ज़्यादा दुख होता, तो कोई बात नहीं चलता है, जानबूझ के नॉक नहीं किया मैंने, सस्ता सफर नहीं है। खैर अभी देखो मैं हो चुका था पागल, करना पड़ेगा ऊपर रस, मैं पागल हो चुका हूँ, ऊपर रस किया था, इसको पकड़ो। ये ले आका, आग डालता हूँ मैं, इतने में ये बंदा अब आते फुट स्टेप, ये छलांग लगा के नीचे कूद जाता है ठीठ कहीं का। इसको पकड़ो और अब इसको, मजाक से हटके गिल्ली सूट पहन के बंदा ऊपर कब से टीपी भी ले रहा है मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे 10 नेट कर दिए सामने वाले ने, मैंने एक किल ली, मैंने ग्रोजा वाले से फाइट ली, उसके बाद नेट फटा मेरे पीछे, टीममेट को रिवाइव किया, एक किल मिस कर दी वहाँ पे सस्ते सपरे के चलते। तब तक ये बंदा एक जगह पे बैठा है, इसने एक फुट स्टेप नहीं दिया, मजाक से हटके मेरे को इतनी खुंदक आती है ना बंदों से, मन करता है मतलब कितना ढीठ है, कितना ज्यादा ढीठ हो सकता है, कितनी कैंपिंग करेगा, इसलिए मैं भी ऊपर कैंपिंग करता हूँ, यही वजह है। देख लो ढीठ के बच्चे बैठे रहेंगे, अपनी जिंदगी बिता देंगे बगैर फुट स्टेप, बगैर सांस लिए। खैर ये नीचे है लेकिन मैं बेवकूफ बनाता हूँ इसे। ये जो ग्रोजा वाला, देखो एक ही बंदा बाकी है, ग्रोजा वाला वो होता है पहाड़ के नीचे, लेकिन मैं ऐसा बेवकूफ बनाता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता है। अरे हम तो बेवकूफ है, अरे हम तो बेवकूफ है मालिक, हम आगे वेयरहाउस पे गोली चला रहे क्योंकि हम बेवकूफ है, मेरे को पता ही नहीं आप नीचे, मेरे तो माथे पे गधा लिखा है, मेरे को पता ही नहीं आप नीचे आ चुके हैं, मैं तो वेयरहाउस पे फायर दूंगा। तो ये करने के बाद देखो मेरे को पता था इसके खुजली होगी नेट करने की, 50 नेट तो डाल चुका है, 51 नेट भी डाल लेगा तो इसको कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए ये
ठीठ बंदा, एक और नेट फेंकता है, मेरा वाला खत्म करो, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ इनसे। ये ले पेटी खाब, मजाक सट के यार, दे नेट पे नेट, दे रोजा पे रोजा। इसका टीममेट होगा वो गिलीजूर वाला, ऊपर कैंप कर रहा है, उसको जबरदस्ती आग फेंक के भगाया वहां से। मैं तो हैरान हूँ वो भाग गया वहां से, मजाक सट के मैं हैरान हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मेरे को लगा था, सही में लगा था वो बैठा ही रहेगा उधर, लेकिन शुक्र है भाग गया वहां से। मैं तो हैरान हूँ भाई, अभी तक 2 दिन तक नींद ना आएगी ये देख के, चमत्कार हो गया भाई। खराज किसी वीडियो में एक लाइक ठोकते हैं जरा, यहाँ पर इंतजार किस बात का, ठोके सब्सक्राइब, कल मिलते हैं 31 किल बेहतरीन। बाय बाय, वो ट्रिक इस्तेमाल करना, बढ़िया किल मिलेगी।